अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप देखेंगे दूसरा रोज़ फ्लावर, जो कि मैंने साथ में इसके ड्रॉ किया हुआ था। तो आपको ये एक फ्लावर मैंने पेंटिंग करके दिखा दी थी और एक फ्लावर ये बाकी है, तो आज मैं इसे आपको करके दिखाऊँगी अलग शेड में। तो चलिए शुरू करती हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सके हमारी हर डिज़ाइन। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पेंटिंग सिखाई जा रही है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। एक महीने का कोर्स है, आपको एक महीने में पेंटिंग आ जाएगी और आप पेंटिंग करना सीख जाएंगे और अपनी मनचाही पेंटिंग कर सकते हैं। तो सीखने के लिए हमने वीडियो में नंबर दिया है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं कैसे क्या करना है। अगर आपको सीखना है तो ज़रूर कांटेक्ट करें, ठीक है। ये रहा फ्रेंड्स, ये तब हमारा जो है हमने जैसे कलर बाहर तरफ ब्लेंड किया था, मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और मैंने 4 नंबर का फ्लैट ब्रश लिया हुआ है और उसी से ये बाहरी से हिस्से में मैंने कॉर्नर के सिप से जो है आउटलाइनिंग करते हुए लेमन येलो मिक्स करके ये बाहर की तरफ जो है कलर को थोड़ा थोड़ा फैला दिया है, यानी कि कपड़े पर थोड़ा थोड़ा लगा दिया है। और उसके अंदर ही डिज़ाइन जो है पेंटिंग करूँगी, जो भी हमने बना रखी है। तो इसी तरह से हमें हर कॉर्नर पे जो है बना लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी डिज़ाइन जो है क्लियर अब आपको दिख रही होगी। रोज़ फ्लावर है, उसमें कली और लीव जो है हमने ज्वाइन कर रखी है, वो भी आपको दिख रही होगी। तो चलिए हम आपको इसकी पेंटिंग बताते हैं। पेंटिंग बहुत ईजी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप कोई भी बना सकता है। मैंने बहुत ही सिंपल सी पेंटिंग बताई है आपको। देखिए लीफ में क्या करना है, मैंने उसमें भी बताया था लीफ फर्स्ट वीडियो में, इसमें भी बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोग नए होते हैं और कुछ लोग जो है वही वीडियो देखे रहते हैं, वही होते हैं। तो जो है जो लोग नए होंगे उनके लिए ये लीफ में बना रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच से हमें लाइनिंग करनी है, दो लीफ के बिल्कुल बीचों बीच, और उसमें से शेड को बाहरी तरफ करना है। और जैसे कि अंदर से बाहर की तरफ शेड को करना है और ऊपरी हिस्से में थोड़ा थोड़ा छोड़ रखेंगे, वहाँ पे हम वाइट शेड डालेंगे। तो पूरी लीफ को हम ड्राई शेड पे इस तरह पहले करेंगे और ऊपर तक जो है इसको भर लेंगे। थोड़ा थोड़ा खाली रहेगा हमारा, उसमें हम वाइट शेड डालेंगे। तो इसके साथ ही मैंने रेड शेड लिया है और साथ ही हमने वाइट शेड लिया है, तो वो शेड हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से, ये मैंने 1 नंबर का फ्लैट ब्रश लिया हुआ है, उसी से बना रही हूँ। और ये ब्रश जो है चल नहीं रहते तो मैंने इसकी कटिंग कर दी है, जिसकी वजह से ये अभी अच्छे चल रहे हैं। टाइम तो लग रहा है लेकिन अच्छे चल रहे हैं, जैसा मुझे चाहिए वैसा मतलब हो रहा है मुझसे थोड़ा लेट हो रहा है लेकिन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लीफ हमने बनाई और वाइट शेड दिया यहाँ पर बाहर के हिस्से से। अभी हमें इसमें रेड शेड देना है, जिसे हमें नस बनानी है रेड शेड से। तो मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगी, आप वीडियो पे बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही मेरी वीडियो को शेयर भी करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने किनारे किनारे से वाइट शेड दे लिया है और अभी भी ये लिप जो है सोनी सोनी सी लग रही है। जब हम इसमें रेड शेड देंगे तो इसका जो लुक है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से होगी हमारी लिप जो है। ये हमारी लिप जो है बन चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे रेड शेड। चलिए उसको भी करके दिखाते हैं। जो भी हमने वाइट शेड से इसमें कटिंग डाली है, उसके बीच बीच में हमें उसके रेड शेड से नस बनानी है, नसें बनानी है, जो जिससे लीफ की खूबसूरती और ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए दिखाते हैं, पहले यहाँ पे बीचों बीच जो है लाइनिंग करेंगे और देखिए फिर यहाँ से ऐसे और इसी तरह से एक एक करके हमें नसें निकालनी है। और जहाँ पे हमारे वाइट शेड का सिरा होता ख़त्म होता है वहाँ पे हम एक एक नसें डालेंगे, जिससे हमारी लीफ जो है बहुत अच्छी दिखेगी और हमारी पेंटिंग भी बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत दिखेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लीफ हमारी तैयार हो गई है। मरून शेड डालने के बाद उसमें से थोड़ी सी सॉरी रेड शेड डालने के बाद उसमें से जो डार्क शेड वाला लुक आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा दिख रहा है।
तो और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देखिए हम रेड शेड जो है हल्का हल्का सा शेड कर देंगे। और ये हमारी खूबसूरत सी लिप जो है तैयार हो चुकी है। और इसमें मेन लुक जो है वाइट शेड का है, आप वाइट शेड लगाओगे तब ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने बाहर की साइड जो है ग्रीन शेड जो फिल किया है उसमें हमें लाइट कलर चाहिए, इसके लिए हमने उसमें वाइट शेड डाला है लिप में, और इसी वजह से वो उभड़ के दिख रही है। अगर हम इसमें नहीं डालेंगे तो लिप हमारी जो है नहीं अच्छी लगेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कल ही बनाने जा रही हूँ, और इस फ्लावर में मैं दूसरा शेड भी डालूँगी, जैसा कि मैंने आपसे कहा था ये दूसरे शेड से बनाऊँगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने ब्राइल पर्पल लिया, साथ में रेड लिया, और ये ग्रीन शेड लगाना है। ठीक है, तो पहले जो है हमारे स्पेस जो है जहाँ से हमारी लिप पंखुड़ी थोड़ी थोड़ी सॉरी यार जहाँ पे कली थोड़ी थोड़ी खुली है वहाँ पे हम जो है ब्राइल पर्पल शेड को पहले भर देंगे थोड़ा थोड़ा करके, जहाँ पे थोड़ा सा फ्लावर का पार्ट दिख रहा है वहाँ पे इस तरह से कलर हम भर लेंगे। और इसके साथ ही हम नीचे से रेड शेड का यूज़ करेंगे। देखिए अभी मैं रेड शेड का यूज़ की हूँ यहाँ पे, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद इसी से मैं फ्लावर बनाऊँगी, मरून शेड ऐड करते हुए तीन शेड से मैं फ्लावर बनाऊँगी। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये बता दूँ लीफ किस तरह से आप करेंगे, जिस तरह से हमने रेड वाली लीफ बताई थी उसी तरह से सेम करना है। कलर चेंज मैंने किया है आप देख सकते हैं। आज की पेंटिंग भी बहुत ख़ास होने वाली है, फ्लावर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा है, ब्राइल पर्पल से हमने बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो फ्रेंड लाइक ज़रूर करिए, और लाइक करने के पैसे नहीं लगते, लाइक ज़रूर कर दिया करें, और वीडियो को हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी आप लोगों की। आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। मैंने ब्रश की कटिंग की है इसलिए एक बार में कलर जो है हमारा ब्रश में अच्छे से नहीं आ रहा है, खर 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 ऐसा उसमें से लग रहा है चलाने के बाद, खुरखुराहट सी उसमें ब्रश पे, क्योंकि हमने उसकी कटिंग कर दी है और कलर भी अच्छे से उससे ब्लेंड नहीं हो रहा है। लेकिन ये है कि उससे पेंटिंग जो है अच्छी हो रही, थोड़ा टाइम लग रहा है कलर एक बार की बजाय दो बार में तीन बार में भर रहा है, लेकिन पेंटिंग जो है हमारी अच्छी हो रही है। आप देख सकते हैं आपके सामने है पेंटिंग, और आपके सामने ही बना रही हूँ, और आपको बहुत पसंद भी आए तो ये लिप बना लेती हूँ, उसके बाद आपको फ्लावर भी दिखाऊंगी किस तरह से करना है। और कल की वीडियो के लिए फ्रेंड्स आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बड़े दिनों बाद मेरी वीडियोस पे, कल मैंने वीडियो अपलोड की थी 1000 व्यू आए थे, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ को देखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वीडियोस मेरी जो है चलने लगे, और मेरी पिछली वीडियोस भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, आप वो सब भी देखें अगर आप सीखने वाले में से हैं तो, वो सब चीज़ आप देखा करें, और उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप सीखने वाले में से हैं तो जो है आपको अच्छे अच्छे टिप्स, मतलब बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे सीखने के करने के, मैंने ना जाने कितनी वीडियोस अपलोड कर रखी है, तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करें अगर सीखने वाले हैं तो। और मेरे स्टूडेंट्स से मैं कहूँगी वो ज़रूर सीखे, जिन्होंने क्लास कर ली है, जिनका बैच ख़त्म हो चुका है, वो ज़रूर वीडियो को देखा करें। एक मतलब मैंने बहुत सारी पिलोज कवर की डिज़ाइन बनाई है, आप उन डिज़ाइन को जो है खुद से देखें, खुद से ड्रॉ करें और ट्राई करें उसको पेंटिंग करना, जैसे मैंने उसमें बताया है सेम उस तरह से भी कर सकते हैं आप, अगर आपके पास वैसा सब मौजूद है कलर वगैरह तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, अगर नहीं है अगर कलर नहीं है तो फिर अगर आपका दिल चाहता है वो करना तो फिर लाकर कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे मेरे डिज़ाइन है पिलो कवर के, बेडशीट के, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं।
वैसे जिन्होंने प्रिंटिंग सीख ली उनके लिए तो बहुत ही इजी हो गया है, वो बेडशीट वगैरह जो है अब इजीली बना पाएंगे, उनको अगर डिज़ाइन भी वो करना चाहेंगे तो बहुत अच्छे से डिज़ाइन हो जाएगी। और यहाँ पे एक पेटल सॉर थी फ्रेंड्स, कल मैं भूल के यहाँ पे कलर फिल कर दी थी, लेकिन यहाँ पे एक पेटल सॉर चाहिए था, फ्लावर का सेप हमारा बिगड़ गया, देखिए हम भूल गए थे उसकी वजह से, यहाँ पे देखिए गलती हो गई और हमारा फ्लावर जो है उसका शेड ख़राब हो गया, क्योंकि वहाँ पे एक पिटल्स थी और वो पिटल ना बनने की वजह से फ्लावर थोड़ा सूना सूना लगेगा बनने के बाद। तो अपने लीफ और कली देख लिए, अब आपको बताती हूँ फ्लावर की पंखुड़ी, एक एक पंखुड़ी हम करेंगे और इस तरह से पहले आउटलाइनिंग बनाएंगे, आउटलाइनिंग बनाने के बाद इसमें जो है पूरी पंखुड़ी में हमें ब्राइल पर्पल कलर को फिल कर लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं फिल कर रही हूँ अपने कलर को। ये हमने पिटर्स जो है फिल कर लिए, वीडियो में इसका कलर जो है ब्राइल पर्पल का बहुत अजीब सा दिखता है फ्रेंड्स, लेकिन आप सामने से देखोगे तो आपको जो है बहुत ही प्यारा सा कलर दिखेगा, क्योंकि वीडियोस में पता नहीं क्यों इसका शेड जो है बहुत धुंधला सा दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है, और ये और ये कि वो पर्पल कलर दोनों शेड बहुत गंदा सा दिखता है वीडियोज़ में, और सामने से बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और देख नहीं रहे जैसे जैसे लग रहा है बहुत हल्का सा हो, कुछ शाइनिंग नहीं है, रौनक नहीं है, ऐसा दिख रहा है, लेकिन सामने से आप खुद जब ट्राई करोगे आपको खुद समझ में आएगा कि सामने से क्या है और मेरे वीडियोस में क्या है। तो आप खुद घर पे अगर आपके पास हो तो ट्राई करके देखें, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा कलर, ऐसे वीडियोस में पता नहीं क्यों अच्छा नहीं आ रहा है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो वाइट कलर हमने लिया है ये मैं बहुत ही कम ही यूज़ करूँगी, लास्ट में जो मैं फ्लावर की दो कलियाँ दो पंखुड़ियाँ उल्टी हुई हैं उनको बनाने के लिए ली हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाल के देखती हूँ कि ये जो पंखुड़ी का शेड है वो अच्छा आ रहा है कि नहीं। आप डाल भी सकते हैं अगर आपको थोड़ा लाइट करना है, तो वाइट शेड जो है ऊपर ब्राइल पर्पल में मिला सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्राइल पर्पल रेड एंड वाइट का यूज़ किया है, लेकिन अब इसके साथ ही मैं जो है मरून का भी यूज़ करूँगी, क्योंकि उतना अच्छा लुक नहीं आ रहा है, बहुत हल्का हल्का सा लग रहा है, तो मेरी पंखुड़ी जो मैं ऊपर की बनाऊँगी तो वो हल्की दी मतलब क्लियर नहीं दिखेगी, तो यहाँ पे हमें इसलिए मरून शेड ऐड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं नीचे से मरून शेड ऐड कर रही हूँ, और ये मरून शेड जो है प्योर मरून रहेगा उसी को हम ऐड करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने मरून शेड डाल दिया है, और इसी तरह से मैं एक एक पंखुड़ी जो है करूँगी, आपको साथ आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से करना है, और उम्मीद है आप भी इस तरह के फ्लावर्स जो है प्रिंटिंग कर लेंगे, बहुत ही इजी तरीक़े से मैंने बताया करने के लिए, अगर आप भी करना चाहें तो कर सकते हैं, और फ्रेंड्स अगर आप हमें ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑर्डर भी कर सकते हैं, बेडशीट जो है बनने लगी है, मैं बनाने लगी हूँ, ऑर्डर ले रही हूँ, अगर आपको ऑर्डर करना है तो ऑर्डर भी कर सकते हैं, अगर आपको डिज़ाइन मंगवाने हैं तो आप डिज़ाइन भी मंगवा सकते हैं, अगर आपको चाहिए डिज़ाइन बेडशीट या फिर ऑनलाइन क्लास, तो हमने वीडियो में नंबर डाल रखा है उस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, आपको सारी डिटेल्स जो है मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पे बहुत संभाल संभाल के एक एक पिटल्स को फिल करना है, क्योंकि हमने साइड में ग्रीन शेड लगाया उस पर हमारा कलर जाएगा तो शेड अच्छा नहीं लगेगा, तो बहुत ही संभाल संभाल के आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, और इसको जो है आराम से शेड को जो है फिल करना है, और फिल करने के बाद इसमें जो है हम शेड लगाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं एक पंखुड़ी हमारी बनी है मरून शेड डालने के बाद उसमें क्या लुक आ रहा है, तो इसी तरह से हमारा लुक आने वाला है, और पूरा फ्लावर बनाने के बाद आप देखिएगा डिज़ाइन कितनी खूबसूरत लगेगी, आप लोग देखते नहीं हैं और पसंद भी करते होंगे तो फिर लाइक भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करें,
अब यहाँ पे लग गया हमारा मरून शेड, ये देखिए इस तरह से। बहुत ही अच्छे से इसको ब्लेंड करना है, मिक्स करना है, ताकि आपका जो फ्लावर है, एक एक जो कली है, पंखुड़ी है, उसका वो भी अच्छी बने, प्यारी प्यारी बने। तो जो पेटल्स सबसे नीचे रहेगी दबी हुई, उसको ही पहले बनाना है। आप पहले ध्यान दे लें कि कौन सी पेटल्स आपकी नीचे है, कौन सी ऊपर है। कौन सी नीचे और कौन सी ऊपर है, इस तरह से आप अगर ध्यान दे लेंगे तो उसके बाद आपको करने में इजी हो जाएगा एक काम। अगर आप देखने के बाद जो है कौन सी पेटल्स नीचे कौन सी ऊपर, अगर आप ये देखते हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो आप क्या करें, उस पर 1 2 3 करके पेंसिल से नंबर डाल दिया करें छोटा छोटा, ताकि आपको इससे भी समझ में आ जाए कौन सा पहले करना है, कौन सी बाद में करनी है। तो इस तरह से आपकी जो पेटल्स है वो अच्छी बनेगी, और आपके जो फ्लावर्स हैं उनमें भी फिनिशिंग आएगी। थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन जो है हर चीज़ जो है अच्छे से परफेक्ट आ जाती है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं एक एक पेटल्स जो है बनाते जा रही हूँ। और यहाँ पे पर्पल कलर के साथ हमें रेड और मरून शेड फिल करना है। पहले रेड शेड ज़रूर फिल करें, उससे लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो रेड शेड आप ज़रूर फिल करें, उसके बाद मरून शेड फिल करें। एक एक पंखुड़ी आप करके बना लेनी है, और उसके बाद जो है बीच वाला पार्ट में थोड़ा सा वाइट शेड हम देंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा किस तरह से बनाना है। और हमने बाहरी से भी इसकी हमने डिज़ाइन को जो है घना बनाया है, तो किस तरह से हमने इसमें क्या चीज़ यू ऐड किया है वो भी आप देखें, ताकि आपको हर तरह से समझ में आए कि कैसे बनाना चाहिए और कैसे हमारी डिज़ाइन जो है बनेंगी, इसमें खूबसूरती किस तरह से आएगी। ये सब चीज़ आप बनाएंगे धीरे धीरे तो आप एक अच्छे पेंटिंग करने वालों में से होंगे। ठीक है, देखिए हमारी एक एक पेटल्स जो है पूरी हो गई है। और यहाँ की पेटल्स देखिए, नीचे जो जगह थोड़ी सी खाली, हमने ग्रीन शेड भर दिया। यहाँ पे एक पेटल्स थी और वो लाइट कलर थी, इस वजह से जो है मैं वहाँ पे कलर भरना भूल गई, और इस वजह से जो है सूना लग रहा है फ्लावर। तो यहाँ पे एक लेयर पूरी ऊपर तक रहनी चाहिए थी, लीफ तक, नीचे लीफ जो हमने बनाई साइड में राइट साइड, वहाँ तक एक लीफ एक पेटल्स और होनी चाहिए थी, तो वो मैं नहीं बना पाई। चलिए कोई बात नहीं, अब करना क्या पड़ेगा, ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ही बनाना पड़ेगा, कुछ कर भी नहीं सकते। हमने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, ताकि आपको देखने में बोरियत ना हो, बिल्कुल बोर ना हो आप। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग पेंटिंग सीखते हैं तो आपको पूरी वीडियोस देखनी पड़ेगी। अगर हम छोड़ छोड़ के सीखेंगे तो कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाएंगी। और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो भगा भगा के देखते होंगे, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ सब देखते होंगे, कुछ लोग हैं जो मतलब स्किप कर करके देखते होंगे, तो उनसे कहना चाहूँगी कि ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा है, और आगे चल के आपको ही परेशानी नहीं होगी, आप अच्छे से जो है कर पाएंगे। और मेरे यहाँ आप क्लास ज़रूर करिए, आपको एक महीने में कोई नहीं सिखाएगा। मैं एक महीने में आपको टोटल पेंटिंग सिखा रही हूँ, एक महीने से बहुत अच्छी सी पेंटिंग सीख जा रहे हैं। और आप प्रैक्टिस जारी रखिए, हमारे यूट्यूब चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए काफ़ी है। एक महीना आप कोर्स कर लेंगे, उसके बाद यूट्यूब चैनल से हमारी डिज़ाइन देख देख कर आप उसकी जो है उसे पेंटिंग भी कर सकते हैं, और अपने हाथ की फिनिशिंग भी ला सकते हैं। वैसे तो आपको एक महीने में ही थोड़ी बहुत फिनिशिंग आ जाती है, हाथ आपका लगभग लगभग साफ़ ही हो जाता है। थोड़ा बहुत अगर बचता है तो आप जब वीडियोस देख के इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथ भी साफ़ हो जाएंगे। और मैं कहना चाहूँगी कि आपको एक महीने में कोई जो है पेंटिंग नहीं सिखाएगा। 2,500 फीस मैं ले रही हूँ, और जो है आगे जाके और ज़्यादा हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और अभी कम फीस है, आगे बढ़ सकती है। और आपको यूट्यूब पर कहीं भी आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा रेट का ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगे, ज़्यादा रेट में मिलेंगे। और जैसा मैं बताती हूँ, उम्मीद कमी है कि मेरे जैसा कोई बताएगा आपको, डिटेल्स में वीडियो दिखाएगा, समझाएगा। अगर आपको कुछ छूट जाता है तो उस हिसाब से आपको दूसरी वीडियो भेज के आपको समझाएगा। तो आप लोग
अगर सीखना चाहते तो आप लोग सीख सकते हैं। आप मेरे यहाँ अच्छे से एक महीने में पेंटिंग आपको आ जाएगी। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियोस में हमने नंबर डाल रखा है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके बाकी की डिटेल्स ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा फ्लावर जो है पूरा होने वाला है। तो चलिए हम इसको अब पूरा बना लेते हैं, उसके बाद आप से बातें करते हैं कि हमें किनारे साइड में कैसे भरना है, क्या भरना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से एक एक पिटल्स में बहुत ध्यान से भरनी है। देखिए यहाँ पे पूरा भरेंगे इस तरह से, पर्पल कलर हो गया। हमने डायरेक्ट मरून ले लिया, थोड़ी से रेड ले लेते हैं, थोड़ा सा मिक्स करते हैं। अब यहाँ पे ये भी हो गया, थोड़ा सा मरून लेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ये हो गया, अब अंदर वाला पार्ट हमारा बाकी है। इसमें पूरा पर्पल शेड हमें फिल करना है। फिल करने के बाद इसमें रेड शेड मैं नहीं लगाई हूँ, डायरेक्ट मैं मरून शेड ही यहाँ पर लगा दी हूँ क्योंकि बहुत छोटा सा है, इसमें थोड़ा सा मरून डाल दूँगी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर का फ्लावर हमारा जो है वो पूरा हो चुका है। अब हमारी जो दो पंखुड़ियाँ वो बची हुई हैं जो कि फोल्ड हैं, तो उन्हें हम आपको बना के दिखाते हैं। तो जहाँ पे फोल्ड है वहाँ पे छोड़ते हुए नीचे की साइड हम कलर फिल करेंगे और फिर उसके नीचे से मरून शेड फिल करेंगे, उसको अच्छे से ब्राइल पर्पल में ब्लेंड करेंगे। और फिर इधर का भी उसी तरह से करना है, ये देखिए इस तरह से। और इसको बहुत संभाल संभाल के करें क्योंकि कॉर्नर है, कॉर्नर हमारा जल्दी बनता नहीं है, तो बहुत संभालते हुए करें और ताकि आपका कलर इधर उधर ना जाए, दूसरी पिटल्स पे ना जाए, इस तरह से ध्यान देते हुए बनाना है। और फिर उसके नीचे से ही हमें यहाँ पे देखिए मरून शेड लगाना है। हमने रेड शेड लगा लिया, मरून शेड यहाँ पे लगाएंगे, इससे हमारा कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा और हमारी जो पिटल्स है वो काफ़ी अच्छी लगने लगेगी। और अब रही बारी ये फोल्ड वाली पंखुड़ी की, उसको भी हम बनाते हैं। पहले हम इसमें ब्राइल शेड फिल करेंगे, उसके बाद जो है इसमें हल्का हल्का व्हाइट शेड लगाएंगे। जैसा कि हमने कहा कि हमने कहीं भी व्हाइट शेड का यूज़ नहीं किया है, बस दो पंखुड़ी में थोड़ा बहुत कर दी थी देखने के लिए कि कैसा लुक आ रहा है। तो अगर आपको डालना है तो आप थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, लेकिन वैसे ही आपका शेड लाइट है और अच्छा दिख रहा है तो ज़रूरी नहीं है। अगर आपको पसंद आता है व्हाइट शेड तो लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बस एक पंखुड़ी हमारी और बाकी बाकी उसको भी हम कर लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी मुश्किल होती है, उसे फील करना, संभाल संभाल के बनाना। तो नहीं तो अगर थोड़ा सा भी बिगड़ता है ना तो आपका सारी की जो मेहनत है वो बेकार हो जाती है और आप मन बहुत पछताता है पेंटिंग करने के बाद अगर थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो डिज़ाइन है वो कम्प्लीट हो चुकी है। फाइनली फ्लावर हमारा बन चुका है और कितना प्यारा सा इसका शेड आ रहा है आप देख सकते हैं। चेरी रेड वाला फ्लावर काफ़ी अच्छा लग रहा है और उसके बाद ये शेड भी अच्छा लग रहा है। दोनों ही फ्लावर अपनी अपनी जगह बहुत ही खूबसूरत है। इस पर भी हम ड्रॉप डाल सकते हैं, जैसे मरून शेड और ये ब्राइट पर्पल शेड से हम ड्रॉप बना सकते हैं। वाइट शेड का वाइट मरून एंड ब्राइट पर्पल तीन शेड से हम जो है ड्रॉप बना सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं डंटल में डाल रही हूँ और इधर से भी डालूँगी दूसरे रोज से और इधर की भी डालूँगी, दोनों पे डंटल बनाऊँगी मैं। बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर बने हैं हमारे, आप देख सकते हैं। अभी इसको फिल करना है बाहर साइड में, अभी और भी ज़्यादा इसकी खूबसूरती बढ़ने वाली है। चलिए पहले डंटल बना लेते हैं, उसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए ये ब्रश काफ़ी मोटा है, फैला हुआ है, हमने इसकी कटिंग करके इसको पतला किया हुआ है, लेकिन उस तरह से नहीं बना जैसा बनना चाहिए। अब यहाँ पे हमने एक नंबर का ब्रश ले लिया है। अब इससे जो है ये बारीक बारीक जो है ग्रास जो होती है उसे बनाएंगे और इसकी जगह को, खाली जगह को जो है फिल करेंगे अच्छे से, ताकि अच्छी तरह से ये फिल हो जाए, भर जाए। ये देखिए हो गया। अब नीचे भी हम डालते हैं दो तीन, और जहाँ जहाँ पर खाली है उसी तरह से हमें डालने हैं। थोड़ा सा संभाल संभाल के बनाएं क्योंकि ब्रश अगर आपका थोड़ा सा इधर उधर मुड़ता है तो आपकी जो डिज़ाइन है वो बिगड़ जाती है, फिर उसे बनाना जो है मुश्किल हो जाता है, उसकी फिनिशिंग नहीं आती, वो अच्छे नहीं लगते।
तो थोड़ा सा ध्यान देके बनाएंगे तो आपका जो है बहुत अच्छा से तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं इधर भी हम कुछ इस तरह से बनाएंगे और यहाँ की भी जगह हमारी फिल हो गई। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा लुक आ रहा है। अभी हम इसमें डॉट डॉट लगाएंगे ग्रीन एंड वाइट से, तो और भी अच्छा लुक आ जाएगा और भी डिज़ाइन हमारी प्यारी सी दिखेगी, प्रिटी सी बिल्कुल। तो फ्रेंड्स अगर आप हम इस डिज़ाइन में बेडशीट वगैरह ऑर्डर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप चाहे तो एक ही कलर का यूज़ कर सकते हैं, या तो रेड कलर यूज़ कर सकते हैं या तो फिर ब्राइट पर्पल वाला फ्लावर यूज़ कर सकते हैं। आप एक ही कलर में भी अपनी बेडशीट जो है तैयार कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है दोनों कलर डालना। मैंने तो ऐसे ही आप किसको क्या पसंद आता है मैंने दो कलर में बता दिया, जिसको जो पसंद आए वो यूज़ कर सकता है। अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो इस तरह की बेडशीट भी ऑर्डर करना कर सकते हैं, हमारे यहाँ आपकी अच्छी सी बेडशीट जो है तैयार हो जाएगी। आपको सिर्फ बोलना है, मैं अपने हिसाब से इतनी अच्छी सी डिज़ाइन बना के दे दूँगी, बेडशीट आपको बना दे दूँगी कि आपको डिज़ाइन पसंद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मेरी डिज़ाइन देखेंगे, बेडशीट देखेंगे, आपको खुद ब खुद डिज़ाइन जो है पसंद आ जाएगी। तो सिर्फ आपको ऑर्डर देने की ज़रूरत है और प्राइस जानने की ज़रूरत है कि कितना पैसा इसका लगेगा। चारों कॉर्नर पर डिज़ाइन होगी, बीच में थोड़ी सी होगी और जो है पीलो कवर पर होगी, तो फ्लावर इससे थोड़े बड़े होंगे और जो कॉर्नर पे फ्लावर हैं बड़े बड़े फ्लावर होंगे। इसकी साइज़ जो है कम है, 4-5 इंच में है, लेकिन जो वो रहेगा उसकी बड़ी साइज़ रहेगी, तकरीबन 7-8-9 इंच तक रहेगा बड़ा फ्लावर रहेगा। और कॉर्नर कॉर्नर पे जो है चारों कॉर्नर पे रहेगा, बीच में रहेगा, पिलो कवर पे रहेगा। तो अगर आपको बनवाना है, ऑर्डर करना है तो ऑर्डर कर सकते हैं, आपको बहुत ही प्यारी सी बेडशीट मिलेगी। और आप देख सकते हैं हमारे फ्लावर का लुक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, क्या कितना प्यारा सब दिख रहा है, आपको खुद समझ में आ रहा होगा। तो आपको कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिएगा। अगर लाइक अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक के पैसे नहीं लगते और मेहनत भी नहीं लगती आपकी, मेहनत तो हमारी लगती है जो हम इतनी करते हैं और उसके बाद आपको वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन आप लोग जो है लाइक नहीं करते हैं। कैसे भी बना दो लेकिन आप लोग जो है बहुत कम ही लोग हैं जो लाइक करते हैं वीडियो को, तो प्लीज़ आप लोग मेहरबानी करके वीडियोस को लाइक कर दिया करें और थोड़ी सी मेहनत करके वीडियो को शेयर कर दिया करें, इससे आपकी बड़ी हेल्प मिलेगी मुझे और मेरी वीडियोस भी जो है अच्छी चल पाएंगी। अगर थोड़ी सी आप शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे वीडियो को, जितना लाइक और शेयर मिलता है उससे हमारी वीडियोज़ जो है अगर ज़्यादा लोग देखते हैं तो उससे हमारी वीडियोस जो है आगे और भी ज़्यादा वायरल होती है। तो अगर आप नहीं देखेंगे तो वो चीज़ जो है रुक जाएगी, तो इसीलिए बोलती हूँ कि थोड़ी सी मेहनत कर दिया करें ताकि हमारा भी बनाने का दिल करे। अगर वीडियोस वायरल नहीं होती है तो फिर बनाने का दिल नहीं करता है, इसीलिए बोलती हूँ आप लोग लाइक कर दिया करें, वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दें ताकि हमारी वीडियो वायरल हो जाए और आपको और भी डिज़ाइन मिल सके। तो ये रहा फाइनल लुक, आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।